तेरे जी इधर भाई साहब अपने सेब बेच रहे हैं, वैसे तुम्हें क्या पता आवाज़ कम आए थोड़ी सी बात। भाई ने तो और बड़ा टूटा लगा दिया है, फुल वाला बड़ा जो फुल बड़ा ठीक है। बाकी इसको भी कटिंग क्रीम शीम लग रही है, पता नहीं अभी किस भाई की है। तो अरे जी भी चलते हैं अंदर, देखो व्हाट सीन, कोई रिम शीम हमें पसंद आ रहे हैं, देखो क्या बनता है अपने रिम टायर का। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है सब भाइयों का, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो अरे जी आपके भाई ने अभी कोई वो मलक डॉन वाले और वो केली छिली वाले व्लॉग छोड़े हुए हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। वो मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि अपनी बीट वेल्व के काम हो रहे हैं, तो कोई व्लॉग नहीं थे तो हम लोग इसलिए कह रहे थे। बाकी अभी आपके भाई की बीट वेल्व, तो लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था वो मैंने खुद अपलोड नहीं किया, उसकी रीज़न ये थी कि वो मुझे पसंद नहीं आया था व्लॉग, और बीच में अजीब सा बना था वो, गाड़ी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, और इस तरह फिर व्लॉग का मकसद नहीं है। बाकी आज आपके भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि या हमें डेंटर ने कॉल किया है, सलीम उस्ताद ने, कि आपकी गाड़ी हो गई है जी, कंपाउंड भी हो गई है, तो आके अपनी गाड़ी ले जाओ। तो चलते हैं, अभी गाड़ी भी आपको दिखाता हूँ जाके वहाँ पर अपनी, और उसके बाद बाकी जो भी सीन पार्ट हुआ वो भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरे जी आपका भाई फैक्ट्री पहुंच गया है, अभी भाई साहब इधर से कोई काम शाम करवा रहे हैं लोगों से, ये लोग भाई को भी हम लोग लेते हैं, तो निकलते हैं अपनी बीट वेल्व की तरफ क्योंकि इन्हीं का जानने वाला है, मुझे तो कोई नहीं जानता। बाकी वहाँ पे पहुंच के आपसे मिलते हैं। A few minutes later. मैं कहता हूँ कि आपके आता। डरा दिया मैंने कहा ये पीछे से क्यों आ गया पता नहीं। आए हाय। है चेक करना मोहित। वाह जी वाह। मजा आया। ओह। तो भाई साहब फाइनली ये रही आप लोग की बीट वेल्व, वो मेरी बीट वेल्व फुल टाइम शीशा बन गई है फुल टाइम, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसकी पहली वाली वीडियो दिखाऊंगा, बाकी वो खैबर खड़ी हुई फ्रंट से भी तुम्हें दिखाता हूं। तो ये वाली साइड जो थी फुल टाइम रगड़ी हुई थी यहाँ से, और हम लोगों ने इसको फुल टाइम पप्पू बनवा ली है। बाकी तुम्हें मैं फ्रंट का गेड़ा कराता हूँ क्या कोई हिसाब किताब है इसका। तो जी ये वाला आज हमारा प्रोजेक्ट हो गया माशाल्लाह से फुल टाइम होके, बहुत ही प्यारा कलर हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये चेक कर, ओए ये साइड सारी। बाकी इस भाई ने तो और बड़ा टूटा लगा दिया है, फुल वाला बड़ा जो फुल बड़ा ठीक है। बाकी इसको भी कटिंग क्रीम शीम लग रही है, पता नहीं अभी किस भाई की है लगे में इस पर। बाकी अपनी आपको मैं गाड़ी चेक कराता हूँ, बीट वेल्व जो है फुल लेवल में हो गया है। ओए होए तेरे जी, इधर चाचा जी ने सेबों की रेडी लगाई हुई है। बाकी अपनी बीट वेल्व की बात की जाए तो उस साइड से तो हमारी गाड़ी ख़राब थी, लेकिन इधर से अपनी जगह पे है ठीक है। तो इसके जो नीचे फुटबोर्ड था वो भी तकरीबन ओके हो गया है, और डिगी भी इसकी हो गई है, कटिंग क्रीम लगने से इसके तकरीबन ऑल टू ऑल इसका कलर जो है ना वो हो गया, तकरीबन मैचिंग हो गया है। इस साइड तो फुल ओके हो गई, तुम्हें वाइट से हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा है, ये बाइक की शाइन है और कुछ नहीं है ये। तो बाकी रिम टायर का भी इसका जुगाड़ लगाएंगे अभी, बस आज जो मेन काम था हमारी गाड़ी में वो कलर का था, एक दरवाजे का था, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ उसकी पहले वाली कंडीशन और अभी वाली कंडीशन। रुक तेरा जी, उस टाइम की कंडीशन में और अभी कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है टोटल। तेरा जी इस खैबर की बात की जाए तो इसमें एक इन्होंने टायर रिम की अल्ट्रेशन मारी हुई है, बाकी तो मैंने पीछे बड़ा तूता दिखा दिया है। तो और इसमें इंजन चेंज हुआ है, बुलान का इंजन है, तो ये इनके पास कटिंग क्रीम के लिए और डेंटिंग पेंटिंग इसकी हल्की फुल्की थी वो करवा रहे हैं भाई, तो इसलिए इधर खड़ी हुई है। तो अभी बस अपनी भी करते हैं, एक पॉलिश लेकर आता हूँ मैं, वो भी तुम्हें दिखाता हूँ उसका क्या सीन है। तेरा जी ये है पॉलिश शाइनर है, ये जो आपका भाई पॉलिश इस्तेमाल करता है ना उसकी जगह ये वाली पॉलिश बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये पॉलिश है 200 रुपये की ठीक है, तो इसको शाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये इधर लगी हुई है तुम्हारे सामने शाइन जो नज़र आ रही है तुम्हें, तुम्हारे सामने जो लगाने का तरीका है ये भी इन भाई को मैंने बोला है,
तो ये कहते हैं मैं बताता हूँ आपको सही तसली से इस तरह करना है और इस पर जैसा कटिंग क्रीम करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह इसको पॉलिश करना है। ये बेशक आप लोग जब भी गाड़ी दिलवाओ तब भी करवा सकते हो। अभी आपका भाई ये 4-5 डिब्बियाँ लेगा यहाँ से वापसी पे, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपनी गाड़ी को यही वाली रगड़ा करेंगे। बाकी जो आपके भाई के पास माल इकट्ठा हुआ हुआ है वो इन्होंने फेल कर दी और मैंने भी फेल कर दी, क्योंकि इस पॉलिश की बहुत ज़्यादा शाइन है। बाकी अभी ये मार लें तो फिर आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी चेक कराता हूँ। तो ये शाइन तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये तुम्हें मैं फ्रंट और बैक का डिफरेंस चेक कराता हूँ। ये चेक करो फ्रंट की शाइन और ये है इसकी बैक की शाइन। तो ये जी ये तूता लगा हुआ है इसका, अगर किसी को नाम पता है तो कमेंट करके लाजमी बताना। ये HKS का तो नहीं है लेकिन उसके अलावा कोई है। तो बाकी तुम लोग क्या कहते हो, अपनी बीट वेल्व में स्ट्रेट पाइप होना चाहिए या एग्जॉस्ट होना चाहिए, वो कमेंट करके लाजमी बताना मुझे। तो ये जी ये पीछे से सुजुकी टायर ये अभी निकलती है, तो बस हम लोग भी चलते हैं सुल्तान के खूह, वहाँ से पता करते हैं टायर रिम और बाकी जो कुछ भी क्या हिसाब है। तो ये जी सिस्टम कुछ इस तरह का है कि अभी पिक भी इसकी काफ़ी बेहतर होगी है पहले के नस्बत, ठीक है। हम लोगों ने काम तो नहीं इसका कराया लेकिन पिक ठीक है। तो अभी चलते हैं सुल्तान के खूह, इसका पता करते हैं ये जो इसका आगे डोर कार्ड्स हैं और साइड इसका डैशबोर्ड जो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है ना, ये हम लोग अभी जाके पता करते हैं कि अगर अभी वो उतारता है तो तब भी उतरवाएँगे और छोड़ जाएंगे ताकि ये ठीक हो, और बाकी इसके वहाँ पर टायरिंग भी चेक करेंगे। ऊपर है सामने येलो बोर्ड इस्लाम ब्रदर टायर। तो ये जी आपका भाई वो इस्लाम ब्रदर टायर पे टायर देख रहा है, वहाँ पे हमें एक भी डीप डिश टायर मिला ही नहीं है फैंसी, ठीक है। यहाँ पे अंदर पड़े हुए हैं, ये बाहर भी पड़े हुए हैं, बाहर तो किसी काम के नहीं है दोनों, तो अंदर वाले शायद कोई काम के हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वाले प्यारे रिम पड़े हुए हैं माशाल्लाह से, तो इनका पता करते हैं, अगर बजट से आउट हुए तो यहाँ से हम भाग जाएंगे विंडो शॉपिंग ही सही। शाबाश बेटा, लेकिन हमें रिम टायर का पता करना है कि क्या हिसाब किताब है। तो ये जी ये हमें रिम मिल रहा है, ठीक है, चौड़े टायर के साथ, लेकिन ये पता नहीं कब सामने आ रहा है, ठीक है। चौड़े टायर मिल रहे हैं, ये रिम है लेकिन ये चौड़ा टायर भी पड़ा हुआ है, वो रिम भी लेकिन नहीं। तो ये जी कार्ड ले आए हैं पोशिश वाले का, देखो व्हाट सीन। सेकंड रिम ना एक रेड होना चाहिए बस। अच्छा छोड़ो ये पहले ईके को जो लगा हुआ था, ये डीप डिश है लेकिन नहीं ये वाला नहीं, इससे अच्छा तो अगर लगवाना है तो फिर ये वाला लगवा लें। तो ये जी ये रही अपनी बीट वेल्व, ठीक है। डेंटर के पास आपका भाई वापस आया, हम लोगों ने एक स्पॉइलर का ऑर्डर दे दिया है, तो बाकी वो हम लोग उनको सामान ला के देंगे तो वो पूरा करके हमें बनवा देंगे।
मेरा जी भी आपका भाई तकरीबन फारिग हो गया, ठीक है। अपनी बीट वेल्व का काम शाम हो गया अच्छी तरीके से, पैंट शेंट जो कुछ भी होना था वो तकरीबन सारे काम हो गए। बाकी भी इसको खड़ा करते हैं, रिम टायर भी हम लोग देख रहे हैं, पता लग गया कितने के होंगे, क्या हिसाब किताब होगा, वो भी इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। बाकी भी इसे घर जा के खड़ा करेंगे और वेट करो नेक्स्ट व्लॉग का, इंशाल्लाह जल्दी आएगा नेक्स्ट व्लॉग। और देखते हैं इसका सबसे पहले डैशबोर्ड और डोर गार्ड ने इसका काम करवाना है ना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो कुछ भी हुआ वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफिज़।